पहले बना लो फिर दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। नहीं बेबी ये गरम गरम है, तुम खाओ मैं आ रही हूँ। तुम सच्ची में मैं आ रही हूँ दोस्तों, मैं आ रही हूँ बना के आ रही हूँ। फॉर्मल वाइफ बनने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं आप खाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलिए चलिए इसका बस चले तो अभी यही वाला छीन के खा जाए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं एक घंटे पहले सो के उठ गया था, लेकिन आज मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि आज मुझे नाश्ता क्या करना है। मैं रोज अब अंडा भुर्जी नहीं कर पाऊंगा, और मैंने सुबह सुबह सारी तैयारियां करवा दी और संभावना को भी अल्टीमेटम दे दिया कि आज बनेंगे नाश्ते में क्या बेबी। गुड मॉर्निंग गाइज, आलू के पराठे, दैट्स व्हाट ही वांट्स टू हैव। आलू के पराठे खाए हुए मुझे 3 महीने हो गए और इसको पता है मुझे बहुत पसंद है। और आज अगर मुझे आलू के पराठे नहीं मिले तो मैं सबका मार मार के आलू निकाल दूंगा। चुना आलू के पराठे खाने पापा को, आलू के पराठे बनाएगी मम्मी। ओके, ये आलू बोलने की सिटी है। हाँ गुड, सुन के ही तृप्ति मिली है। मैं तैयार हो जाती हूँ। मतलब तैयार किस लिए? ऐसे ही शुरू जाओ आलू के पराठे बनाने। ऐसे ही मतलब क्या, मुझे तुम्हें थोड़ी खाना है, आलू के पराठे खाने। चलो ठीक है, मम्मा आ गई है, अब मम्मा के पास जाओ। चलो चुनती आलू के पराठे बनाए। दोस्तों आलू के पराठे की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। ये आखिरी टच मेरी बेबी दे रही है, अदरक और क्या काट थे, मिर्ची। मिर्ची खिलाओगी ना? तुम्हारा लक्की चाम आ गया है। अरे काटते जा रही है लक्की चाम। इधर आ मेरा, आ जा मेरा बच्चा, काटता नहीं है किसी को। आ जा मेरे बाबू इधर, आ जा, तू आती है तो अच्छा बनता है। आ जा मेरी चिट्ठी, आ जा मामा के पास। चिट्ठी की पुट्टी नहीं चाहिए थी मुझे, चिट्ठी की पुट्टी भी आ गई है पीछे। पुट्टी ही बाहर नहीं आने दो ना, क्यों भगा दिया उसको? कहाँ है चुंचू, चुंचा? ये हमने डाला दोस्तों आलू में नमक। तुम रेसिपी क्यों बता रही हो? मैं तो डालूंगी, मतलब करूंगी, बताऊंगी। रेसिपी क्यों बता रही हो? बताना चाहिए हमेशा, जो करो ना लाइफ में बता दो लोगों को। लेकिन अब अगर आप एक ही चीज रोज कर रहे हो लाइफ में, हर बार खाली आलू का पराठा ही बना रहे हो, तो कितनी बार बताओगे? तो तुमने कहा है, मैं तो बना भी नहीं रही थी। नहीं तो आप रेसिपी क्यों बता रही हो? कुछ नया बना रही हो क्या, चाइनीज बना रही हो? ये थोड़ा सा इसमें दोस्तों अजवाइन को घस के हाथ में और ऐसा डाल देंगे ताकि पेट साफ रहे। मुझे लगा था तुम इसको उठा के होंठ के नीचे डालोगी। और चूंकि पड़ा है हमारे पास अमचूर, तो हम अमचूर को भी एक चम्मच ऐसा करके डाल देंगे, थोड़ी खटास आए आलू में। और रिश्तों में भी वो तो आ चुकी है। अब दोस्तों अब मेन काम है, जिसके लिए वो टूटा टूट गया मेरा। क्या टूट गया? जो था ना, जो तुम्हारा 6 महीने में एक बार वही वर्कआउट होता था ना, वही टूट गया पता है। अरे टूटला। किसी और चीज से नहीं हो पाएगा वो? कर दूंगी वो तो, मैं हाथ से भी कर दूं। ये है तो, यही तो है लस्सी बनाने वाला। लस्सी बनाने वो मैंने एक अच्छा मंगाया था ना, वो टूटला। चिट्टी गायब हो गई, पराठा अच्छा नहीं बनेगा। इधर आओ चिट्टी। ओहो मेरा बेबी आलू का पराठा खाएगा। ये तो बता दो बेबी ने उसके लिए कितना एफर्ट मारा है। कहते तेरी जैसे सुबह उठी और बोली बेबी आज मैं तुम्हारे आलू के पराठे बनाऊंगी। मैंने बोला था तुम्हें, मन में बोला था ना। मन की बात ही तो समझनी चाहिए इंसान के, फिर शादी का मतलब क्या हुआ अगर इंसान इंसान के मन की बात ही ना समझे। यही थी वो मन की बात। क्या जब मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मेरा गाल बहुत हिल रहा है क्या? गाल आग के पास आ रहा है क्या? इसका मतलब टाइम आ गया है कि मैं अपने वर्कआउट पे आऊँ। तुम खाओगी आलू का पराठा? यही वर्कआउट पे आना था तुम्हें। इतना ड्रामा करके फिर कह रही है मैं भी खाऊंगी। चिट्टू क्या हो गया? आज आलू का पराठा नहीं बन सकता। क्यों? मेरे को लग रहा है चिट्टी की तबीयत ठीक नहीं है। चिट्टी नहीं, नहीं मम्मा पास पानी अटक गया होगा, वो भी सोच रही है मेरी मम्मी को क्या हुआ। देखो तू इतना तेज से पानी पीती क्यों है बेटा? ठीक हो? हाँ ठीक हो गया। चलो बैक टू वर्क, बहुत तेज भूख लग रही है उसकी। आलू का तो उसकी वजह से आलू का पराठा नहीं बन पाएगा। फिर कराओ उसको ठीक। हाँ तो दोस्तों हाथ धोने के बाद दोबारा से शुरू करते हैं। ये कितनी देर का काम है? ज्यादा देर का काम नहीं था, उसको मैंने ब्लॉक के लिए ज्यादा कर दिया। मतलब जानबूझ के बढ़ा रही हो। अब दोस्तों इसमें ये सब डाल देंगे जो भी हमारे पास है, सब डाल देंगे। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो है ना मैशर, इसको कूड़े में डाल देंगे। अब नहीं कूड़े में नहीं डालेंगे, धुलने में डाल देंगे। तो ये बोलो ना अभी आज जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं, मतलब आज जरूरत नहीं है इसकी। अब हम लोग हाथ का कार्य शुरू करेंगे। हाथ से बहुत अच्छी तरह से हो जाता है और हाथ धुले भी हुए हैं। आज घी में बनाओगी कि तेल में? तेल में, घी में चाहिए ना। किसमें बनता है हर बार? अच्छा ऊपर से बटर है घर में? बटर तो है। अच्छा जो चीज घर में होती है ना उस पर तुम बहुत प्राउडली बोलती है तुम ही लाई हो। बेबी मेरा नजर का धागा पूरा तोड़ दिया खा खा के। अरे यार अब तुम्हें नजर लगेगी, देखो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। काम गई है उसकी नजर बचाने के लिए हमने उसको काले टीके लगाए और उसने ये सिला दिया कि हमारा ही नजर का धागा तोड़ दिया। इसमें और कैसे बैठी है उसके बाद? तेरे को ये भी नहीं पता आवाज कहाँ से आ रही है?
अरे वो किचन में पहली बार आई है ना, उसको नहीं पता। तेरे को आना है, काम तुझे करना है किचन का। तेरे को बड़ा इसीलिए कर रहे हैं, तुझे घर का सारा काम करना है इसके बाद। कितनी प्यारी लगती है बिना, छोटी सी कहीं जाती पूरा एक्सप्लोर कर रही है यहाँ पे। लेकिन चेरी इसको बॉल समझ के ना ले जाए, जो तुम गोल गोल घुमा रही हो ना। देख तो रही है चेरी वहाँ से है। अपना मुंह क्यों तुम उसके जैसा बना रही हो, पराठे के जैसा? जैसे उसको घुमा रही हो ना, वैसे अपना मुंह भी घुमा रही है। पता कैसे? जैसे तुमने ये किया ना, तो ऐसे कर रही हो मुंह से। मैंने कब किया ये? झूठा। अभी देखो, अभी दिखाता हूँ। अब तो तुम वो ध्यान दोगी ना इस चीज पे, मैंने बोल दिया था। देखो, अरे अरे होटी सील कर लिए। ये फट क्यों रहा है? फट सकता है दोस्तों, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। फटा तो फटा। इस आटे में कितने बन जाएंगे पराठे? 8 से 9 से 10 इतने खाने हैं, तुम सिर्फ हुकुम करो। अरे ये तवा जल रहा है क्या? तुम्हें नहीं पता था? नहीं, मैं वही कहूँ, मुझे गर्मी कहाँ से आ रही है? शुक्र है हाथ नहीं रख दिया। आज बनेगा बेबी का पराठा। बेबी का पराठा की आलू का पराठा? आलू का पराठा। मुझे लग रहा है इसके बाद बेबी का भी बनाओगी। क्या कह रही हूँ, क्या कर दूंगी बेबी को आज? तरातर तेल से। तेल में सराबोर ऐसा कड़ाकेदार आलू का पराठा खिलाऊंगी बेबी, तुम्हारी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। हट जाओ बेबी। ओ कुत्ता भी डर गया पीछे। चाय भी रख दो ना साइड में। इसके बाद बनाती हूँ ना। आलू 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 निकल रहा है, आलू निकल रहा है, आलू निकल रहा है ना अगर दोस्तों, तो समझ जाना पराठा बहुत बढ़िया बन रहा है। किसको पागल बना रही हो? इतना तो मुझे भी पता है कि अगर आलू के पराठे में से आलू ही निकल जाएगा तो पराठा बढ़िया कैसे होगा? देख लो कैसे कड़ा। लेकिन कलर बहुत बढ़िया है। अब बताओ अंडरएस्टिमेट कर रहे थे बीबी को। लजीज, एकदम लबाबेदार बनाऊंगी। अरे बीबी क्या मस्त वाला साइड से जो कड़ाकेदार निकल रहा है ना। ये है, ये इसको कहते हैं जिंदगी। ये तो लग रहा है पहला तुम ही खा जाओगी अब, जितना तुमने एक्साइटमेंट दिखाया है। मैं थोड़ा सा और कड़ाकेदार कर दूं तुम्हारे लिए बीबी, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। कड़ाकेदार के चक्कर में वो पत्थर मत बना देना। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर। तैयार हो गया है, बड़े दिनों के बाद नाश्ते में आलू का पराठा खाने को मिल रहा है। रीजन ये है कि डाइट पे था थोड़े दिन, अब आज थोड़ा सा 2-3 दिन का ब्रेक ले, कुछ शूटिंग का काम था जो पोस्टपोन हो गया है, तो थोड़ा सा टाइम मिला है कि थोड़ी बहुत बदमाशी की जा सकती है डाइट में। अब मैं खिला रही हूँ बेबी को, पहले आप लोग खा लो। पहले तो तुम मुझे खिलाती थी। अच्छा ठीक है, पहले तुम खा लो। क्या अच्छा नहीं बना? बहुत ही अच्छा बना यार। और मैं बता रहा हूँ यार, आलू का पराठा इतने दिन बाद ही खाना चाहिए, तभी उसका मजा आता है। उफ, अद्भुत। इधर इधर देखा, मैं बाइट तोड़ती हूँ। ये जी लबालब मक्खन में है। क्या तो कुरकुरापन है ना, और क्या मक्खन, प्याज, आलू। ये गया सब्सक्राइबर्स आप लोग के लिए। अच्छा रहा बेबी, आउटस्टैंडिंग। अब तुम एक काम करो। हाँ, मैं बना के लाती हूँ, तुम अपने लिए बना लो, फिर दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। नहीं बेबी, ये गरम गरम है, तुम खाओ, मैं आ रही हूँ। तुम सच्ची में? मैं आ रही हूँ दोस्तों, मैं आ रही हूँ, बना के आ रही हूँ। फॉर्मल वाइफ बनने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, आप खाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चलिए चलिए, इसका बस चले तो अभी यही वाला छीन के खा जाए। जल्दी आ जाओ विद चाय। और जी ये आ गया है अचार, अब जमेगी पूरी महफिल। अरे अरे, बेबी का दूसरा पराठा। तुम कब आ रही हो? आई गई बस, मैं बनाऊंगी पहले तो, लेके आ रही हूँ। जल्दी आओ ना यार, चाय नहीं, चाय भी तो साथ में पराठा और चाय दोनों खाएंगे ना, तो लेक बनानी तो पड़ेगी ना बेबी। चाय बना देती, चाय रख दो ना, खाली रख के आ जाओ। इसने मुझे जबरदस्ती किया है कि तीसरा पराठा मैं तभी बनाऊंगी जब ये मुझे इसमें से खिलाएगा पहले, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या बना दिया है। क्या करी? अरे क्या हो गया? I loved it. It's not because मैंने बनाया, अच्छा बना है। चीज अच्छी बनी हो, किसी ने बनाई हो, जो अच्छी बने तो तारीफ कर देनी चाहिए। भूल जाओ कि ये मैंने बनाया है, लेकिन ये पराठा बहुत जोरदार है। एवी, क्या बात है, आज तो बड़ी गुड्डी गुड्डी मॉर्निंग हो गई। हेलो, ये क्या है तुम्हारे लिए? टिश्यू। मैं तो हाथ धो के आ गया। हाथ धो के आ गए? हाँ। ये कौन है नीचे?
ये जगह बनाई है इसने, तुम्हें पता है कल ये दोनों सोफे के बीच में गैप था, घंटी बजी ने तो अंदर घुस गई। हाँ, तू थोड़ी सी धूप सेक ले। तो जी आलू के पराठे और चाय के साथ साथ अब क्या कर रहे हैं हम लोग, चेरी को ना थोड़ा धूप में बिठा रहे हैं क्योंकि किसी दोस्त ने एडवाइस दी है कि जो डॉग्स होते हैं उनको जो स्किन डिजीज होते हैं उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उनको प्रॉपर धूप ना मिल रही हो। जितनी मैं देती हूँ मैं कोशिश करती हूँ पूरी धूप देने की, ऐसा नहीं इसको रोज ना, रोज नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे यहाँ बिठाना चाहिए। ये देख लो इसको भी धूप चाहिए। नहीं नहीं इसको कोई धूप नहीं चाहिए, इधर इसको इधर तभी चढ़ाना है जब यहाँ पे वो लगा दोगे नेट। कभी गलती भी मत कर देना, ये देखो जो कर रही है ये देखो। और ये कुछ ही टाइम की बात है कि ऊपर भी चढ़ने लग जाएगी यहाँ से तो गिर जाए। मैं सच बता रही हूँ फटक से आज कल में लगवा दो, पतली वाली नेट लगवा दो ताकि हम लोग कबूतरों वाली ना। चलो वाह री जिंदगी वाह। और दोस्तों इसी के साथ हमने आज एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसको हम कहते थे सुबह का दिन है और बज रहे हैं 12। आज सुबह का दिन है, नाश्ता भी हो गया, चाय भी हो गई और बज रहे हैं 11:30। अरे ऐसा लगा जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ाओ तुमने। यार ये क्यों रोती जा रही है ऊपर चढ़ने के लिए, देखो तो। अरे परिवार के चार लोग ऊपर बैठे हुए हैं तो पांचवा के नीचे रहेगा इसलिए रो रही है। ये चेरी धूप ले रही है। अरे तेरे को धूप लेने के लिए चढ़ाया था भाई, उसकी आंख पे बाल है उसको पता ही नहीं धूप कहाँ आ रही है इसलिए आगे बैठ गई। तो जी चेरी को धूप सिखाने के बाद अब चेरी को लग रहा है कोकोनट ऑयल और चुनचुन हो गई है पागल कि ये क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है चेरी मौसी को जो मुझे नहीं मिलता। तेल खाने की कोशिश कर रही है, तेल चाटना चाह रही है। देखो मैं मारूंगी तेरे को। चेरी कितनी अच्छी लग रही है बेबी, ऑयल लगवा के क्लीन हो गया ना एकदम सब, मतलब बाल ऑर्गेनाइज्ड हो गए ना ऑयल की वजह से। क्या ऑयल मसाज हो रही है आज चेरी पापा का। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा कुछ इम्पोर्टेंट काम है फुल डे, तो हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे और आप लोग को मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। काम मैंने ज्यादा किया है तो मेरे को मिलना चाहिए एंड तुम्हें मिलना चाहिए। तो मेरी बात काट दोगी तुम? हाँ। वो तुम्हारे पैर में से तेल चाट रही है। मैं बेबी इसको मारूंगी, इसको पकड़ लो चिंदी को। इसकी अच्छी जगह है पता है, ये सेफ फील करती है यहाँ पे पता है, चारों तरफ से बॉल्स है ना। चलो जी जय राम जी।